गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज का वीडियो होगा क्रेडल कैप के ऊपर। ये कंडीशन है जिसपे बच्चे के सर पे पपड़े से जमा हो जाती है और उसे बहुत खुजली होती है बच्चे को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे वीडियोस आगे चाहिए। आज की वीडियो में दिखाऊंगी कि इसे ठीक कैसे करते हैं, क्या क्या वजह से ये होता है और क्या क्या सावधानी से ये ठीक हो जाएगा। ये जो क्रेडल कैप है आपके बच्चे के सर कान के पीछे और यहाँ तक पहुँच जाए तो आपको उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। जैसे आपको पिक में दिख रहा है, अगर आपके बच्चे का ऐसा ही हो तो आप घर पे ही इसका इलाज कर सकते हो। आज के वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरे बच्चे को कैसे हुआ और मैं उसे ठीक कैसे किया है। ये इसमें बहुत ही खुजली होती है और बच्चे खुजलाने की वजह से वहाँ पर जख्म हो जाता है। आपको उंगली से नहीं करना है हटाने की कोशिश। अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं होती है बच्चों को तभी होता है। उसके ऊपर ऑयलिंग भी नहीं हुई होती और बच्चे का जो सर है अच्छे से साफ नहीं होता है तब भी होता है। ये मेरे पेरेंट्स को भी हुआ ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे मैंने इसे ठीक किया है। मैं आप लोगों से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो जो मैंने अपने प्रिंस में आजमाया है। कुछ दिनों से प्रिंस को सर पे बहुत खुजली हो रही है और वो बहुत ही खुजलाया जा रहा है। ये देखिए, उसने खुजला खुजला कर जख्म भी कर दिया है यहाँ पर। और साथ में आपको क्रेडल कैप दिख रहा होगा ना सर पे। कभी कभी बच्चों को हो जाता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ये आसानी से ठीक भी हो जाएगा। अगर आपके बच्चे को हो जाए तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगी कि ये कैसे निकलता है। ये कंडीशन 2 महीने से लेके साल भर के बच्चों को कभी भी हो सकती है। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये येलोइश कलर की जो पपड़ी है आपको दिख रही होगी, इसी को क्रेडल कैप कहते हैं। ये 2 कलर में आते हैं, येलो कलर में या फिर वाइट कलर में। ये क्रेडल कैप निकालने के लिए मैंने 2-3 तरीके आजमाए हैं जिससे वजह से अब मेरे प्रिंस का ठीक हो चुका है। और इस जख्म पे मैंने बीटाडीन का पाउडर लगाया जिसकी वजह से वो ठीक हो गया। पहला जो मैंने किया, प्रिंस का जो नाखून है वो कट कर दिया जिसकी वजह से वो फिर से खुजलाए और जख्म ना हो। और दूसरा, आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है पैराशूट का वो यूज करें या फिगारो तेल जो जैतून का होता है वो यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल सबके घर पे अवेलेबल है, वही ले लीजिए और उसके हल्के हाथ से सर पे मालिश कीजिए। हल्के हाथ से मालिश करने से बच्चे को अच्छा फील होने के साथ साथ जो क्रेडल कैप है वो निकल जाएंगे। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको मसाज देना है सर पर। आप देख सकते हैं मसाज करने से देखिए ऊपर आ रहा है ना क्रेडल कैप, बच्चे को बिना तकलीफ के वो निकलने लगेगा। ये जो निकलने के बाद आप बच्चे वाली कंघी से इसे कंघी कर ले। नाखून से निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बच्चे को जख्म हो सकता है। जैसे प्रिंस को हो गया था वैसे आपके बच्चे को भी हो सकता है। ये देखिए निकल रहा है ना। इसके बाद बेबी को स्नान करवाए। स्नान करवाते समय भी बच्चे को मसाज देना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ना क्रेडल कैप। इसके बाद एक कंघी आती है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखेगा। जैसे हम बालों पे कंघी करते हैं उसी तरह से आपको बच्चे के बाल पे कंघी करके निकाल देना है। सॉरी फ्रेंड्स, कंघी करने का जो वीडियो था वो डिलीट हो चुका है, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ इमेज के थ्रू कैसे कंघी करना है और कंघी कैसे दिखेगी। 2 चीजें होती है, एक कंघी होता है एक ब्रश होता है। ये कंघी हमारी कंघी से अलग होती है, इसके नीचे छोटे छोटे गोले बने होते हैं जिसकी वजह से बच्चे के स्कैल्प पे लगता नहीं है कंघी और बच्चा भी इंजॉय करता है कंघी करवाना। मालिश के बाद आप इस तरह से कंघी करें। मालिश के बाद जो चमड़ी निकली रहेगी उस कंघी से निकल जाएगी और नहाने के बाद इस ब्रश से इस तरह से ब्रश करें। 1 महीने के अंदर अंदर आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर आपके बच्चे पे इस तरह रहेगा तो 1 महीने में, और अगर इस तरह रहेगा तो थोड़ा टाइम ले सकता है ठीक होने में। मैं गारंटी देती हूँ जब मैंने बताया है वीडियो में आप उसी तरीके से करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय, धन्यवाद।